स्वामी जी, जो लोग सेहतमंद हैं उनको भी कुछ टेंशन्स हैं, जैसे बढ़ते प्रदूषण में आंख नाक और गले में जलन महसूस होती है, तो इस जलन से बचने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे अपने ऑर्गन्स को, अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं? एक तो सिंहासन, ये बड़ा अच्छा है। फिर एक उष्ट्रासन अभी बता ही रहे थे, और फिर एक सर्वांगासन हलासन, ये भी बड़ा जोरदार है। ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये गले के लिए बड़ा जबरदस्त है। इतना भी ना हो पाए तो ये मत्स्यासन, और इतना भी ना हो पाए तो ये भी बड़ा जबरदस्त है गले के लिए। और फिर कपालभाति, और कपालभाति के साथ ये पॉइंट दबा लेना, ये वाला। और मुलेठी काली मिर्च, हल्दी का छोटा सा टुकड़ा, अदरक का छोटा सा टुकड़ा, मुलेठी काली मिर्च, तुलसी, लौंग को हल्का सा सेक लिया करें, तो उससे फूल जाती है लौंग ना, और फिर मुंह में डाल लिया करें। साथ में मिश्री, खजूर या मुनक्का अंजीर भी मुंह में डाल लें, गले की खराश खत्म। तीन चीज़ें हमारे यहाँ ट्रेडिशनल प्रयोग किया जाती थी, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, जिसको त्रिकुटा कहते हैं, त्रिकुटा, सीतोपलादी, और हमने एक स्वासारी पाउडर बनाया हुआ है, इनमें से कोई भी एक ले लें। सूखी खांसी में सीतोपलादी बहुत अच्छा होता है, जिसमें कफ साथ में होता है, उसमें त्रिकुटा, और जो क्रोनिक खांसी, बार बार खांसी होती है जिनको, उनको स्वासारी, और ये पॉइंट दबा लें। और खांसी के लिए ये कंठामृत तो बहुत ही ज़ोरदार है, इसमें से तो ये तो एंकर्स को भी अपने उस पर रखना चाहिए, जेब में ही या अपने सामने के टेबल पर ही, कभी बीच में ऐसे खांसी सी हो जाए, कंठामृत बहुत ही ज़बरदस्त है ये तो। और लवंग आदि, खदिर आदि भी इसके लिए बड़े अच्छे हैं, गरम पानी भी बड़ा अच्छा है, और मुलेठी वाला पानी तो पहले से। और ये देखो, ये हमने इसका पूरा इंतजाम किया, आज ये सारी औषधियाँ इसी के लिए रखी हुई है। हाँ, च्यवनप्राश, और बच्चों को बहुत खांसी खुर्रा होता है ना, बच्चे बड़े अच्छे हैं, छोटे वाला तो सुबह से एनर्जी बार खाने में लगा हुआ है, सुपर एनर्जी पानी है, ए बड़े वाले इधर आओ। हाँ, ये बड़ा बच्चा भी बड़ा अच्छा है। और बच्चों को, जिनकी प्रकृति थोड़ी नाजुक होती है ना, इधर आओ सामने से आओ, ये बाल प्राश, ये सुपर टोनिक है बेटा, क्या नाम है? आर्यन। आर्यन, चलो खुश हो बेटा, इसने तो ड्रेस भी पतंजलि की पहन रखी है, पूरा स्वदेशी बालक है, ले फिट। हाँ, एडिडास प्यूमा नहीं, पतंजलि परिधान, पतंजलि का ही सामान, पतंजलि मिष्ठान, मन का यही उपहार में दो इस बार। कपाल भाति गले के लिए बड़ा जबरदस्त है, और जिनको सुपर हेल्दी रहना है ना, उनको तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ठोक के करना चाहिए ऐसे। कहां फिर खांसी खुटा जेसरा जी, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन में, जीन्स, क्रोमोसोम्स में, माने पूरे ताने बाने में ऐसी ऊर्जा पैदा हो जाती है, जैसे हमारे बच्चे अब कपल योगा की तरफ बढ़ गए हैं, युगल योगा की तरफ बड़े मजबूत बच्चे हैं। और ये सर्वांगासन करती हुई बेटियां भी ऐसे लग रहा है जैसे धरती पर स्वर्ग परिया अवतरित हो गई है। ये तस्वीरें स्वामी जी बड़ी शानदार हैं, और पर ऊपर परफेक्शन के साथ पूरी बॉडी का अलाइनमेंट, अलाइनमेंट बॉडी का पूरा जबरदस्त है। बिल्कुल, अलाइनमेंट बहुत शानदार है। एक और बड़ी शानदार सी तस्वीरें स्वामी जी दिल्ली की, वो भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली में जो है जमुना नदी में बर्फ गिरी है, बड़ी शानदार तस्वीरें हैं, मन मोहने वाली बिल्कुल से, या कहिए बादल पहाड़ों से उतर के नीचे आ गए, झाग ही झाग हर तरफ है, और ऐसी खूबसूरती आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, इसमें अब एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, मैं तो कहता हूँ इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार,
और भारत के जितने भी प्रदूषण बोर्ड और जितने भी कोर्ट बने हुए एनजीटी और पता नहीं क्या क्या हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सबको एक साथ क्यों नहीं आना चाहिए और मीडिया को जैसे आप तस्वीरें दिखा रहे हैं ऐसे सबको जवाबदेह बनाने के लिए भी ऐसे पूरे कड़की से सामने आना चाहिए। और स्वामी जी अगर देखिए आप पूरी दुनिया में ऐसी गैया मैया शायद नाले भी नहीं देखने को मिलते जैसे हमने अपने नदियों के हालात कर दिए। और ये तब है स्वामी जी जब हम नदियों को माँ का दर्जा देते हैं उसके बाद नदियों का ये हाल कर रखा है। जी उसके बाद हमने नदियों का ये हाल कर रखा है, ये ज्यादा अफसोसनाक है, ये ज्यादा तकलीफ देह है।